Hello everyone. Today I am going to discuss the technique of standard deviation from grouped data. So grouped data से standard deviation को calculate करने के लिए there are two methods. Today I'll discuss in this particular video long method. Then further we will discuss short method. तो long method के लिए the formula is SD is equal to square root या under root सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन. एस डी पता है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज टोटल स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्चुअल मीन एंड स्क्वायर डेविएशन, एंड एन इज नंबर ऑफ स्कोर्स. सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. ये देखिए स्कोर्स दिए गए हैं ग्रुप डेटा के, इस तरीके से मिलेगा. And frequency will be given. So this is the basic frequency of all class interval. यहां तक आपको exam में मिला होगा. N is 30. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप calculate करेंगे this capital X. X is what? X is midpoint. किसका midpoint है? इन सभी class intervals का midpoint है. तो आप देखिए बहुत easy है, 85 से 89 है तो 87 will be class midpoint of this particular class interval. इन सेम परस्पेक्टिव 80 से 84 का 82 आ गया, 75 से 79 का 77 आ गया. इस तरीके से आप सारे क्लास इंटरवल के बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, या तो आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इधर आप हाथ से ही कैलकुलेट कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मिड वाला जो बीच की वैल्यू है या जो मिड वैल्यू है वही आपका मिड पॉइंट हो जाएगा. नाउ यू विल कैलकुलेट एफ एक्स. एफ एक्स इज वॉट? F मल्टीप्लाई बाई एक्स. तो ये देखिए 87 वन जा 87, 82 वन जा 82, 77 टू जा 154. लाइक दिस वे यू विल कैलकुलेट. यहां पर आपके पास आ गया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर. सिग्मा मीन्स टोटल होता है, तो एफ एक्स का टोटल आ गया. दिस इज 1935 या 1935. अब आप यहां पर क्या करेंगे, यू विल कैलकुलेट दिस मीन. आप कैलकुलेट कर लेंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप का. तो मीन का आपको फॉर्मूला पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये आपका एफ एक्स आया हुआ है, डिवाइडेड बाय एन, एन इज 30, तो ये आपका आ गया है 64.5. फाइन. नाउ यू विल कैलकुलेट स्मॉल एक्स. मैंने अभी आपको बताया स्मॉल एक्स आपको कैलकुलेट करना होता है, दिस इज डेविएशन. तो स्मॉल एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एक्स माइनस मीन का ये जो था एक्स बार. तो एक्स क्या है आपका, ये है एक्स. एक्स आपका ये है 87 और ये जो एक्स बार है ये आपको ये कैलकुलेट हुआ है मीन, दिस इज 64.5. तो आप यहां पर देखिए 87 माइनस 64.5 ये आ गया, 82 माइनस 64.5 ये आ गया. इस तरीके से देखिए ये आता चला जाएगा, कुछ वैल्यूज प्लस में होंगी, कुछ वैल्यूज माइनस में होंगी. इन द सेम वे यू विल कैलकुलेट स्मॉल एक्स. देन यू हैव टू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, इसी को स्क्वायर करते जाएंगे और ये आपका आंसर आ गया इसका स्क्वायर. नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट एफ एक्स स्क्वायर. तो एफ एक्स आपका क्या था, आपको एफ एक्स आपको मालूम है, आपका ये एफ एक्स स्क्वायर जो है ये वाला जो पोर्शन है, जैसे ये आ गया है 501, तो ये हो गया है f आपका और ये हो गया है आपका x स्क्वायर. देखिए आपको इस तरीके से कहेगा, दिस इज f एंड दिस इज x स्क्वायर. तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे एंड यू विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग और आप ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे. समझ आ गया होगा आप लोगों को, इसका टोटल स्क्वायर नहीं करना है बल्कि f का, इसका मल्टीप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन इज x स्क्वायर से करेंगे, देन वी विल हैव एफ एक्स स्क्वायर. ये आपका टोटल आ गया है एंड दिस इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपका आ गया 2987.50. ये आपका आ गया एफ एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट यू विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. तो एस डी का आपका फॉर्मूला था अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन. अभी आपने सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकाला, ये जो था मल्टीप्लीकेशन, ये जो आया था ये आपका ये वैल्यू, डिवाइडेड बाई एन, एन इज 30. तो देखिए आपका ये आ गया है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन. आपने कैलकुलेट कर दिया एंड यू गॉट द आंसर एज 9.98. सो दिस इज द बेसिक टेक्निक या बेसिक मेथड्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा लॉन्ग मेथड. थैंक यू.